नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेटीएम ने जो पोस्ट पे पे लेटर का जो फीचर्स लॉन्च किया इसका क्या मतलब है। और गाइस, इसको लेने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या ये हमारे लिए सेफ है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, सब कुछ मैं अपने इसी वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को आप कंटिन्यू करके पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को बस एक लाइक कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो भाई कमेंट करें, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड तो ओपन हो जाता है। आप सिंपली हमको ऊपर की स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, इस समय पेटीएम ने 3-4 फीचर्स लॉन्च किए थे, जिसमें से दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ पेटीएम पोस्ट पे पे लेटर के बारे में। ठीक है, और गाइस अगर हम इस पेटीएम पोस्ट पे को ओपन करके देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी सरल भाषा में सब कुछ समझा दूंगा, अकाउंट बनाने से लेकर के इसका जो भी लाभ या फिर नुकसान है सब कुछ मैं अपने इसी वीडियो में समझा दूंगा। बस आपको लाइव प्रूफ पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप पेटीएम पोस्ट पे पे लेटर को एक्टिवेट करेंगे तो एक बात का ध्यान रहे, जिसके नाम की सिम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम की सिम है, तो मैं अपना ही नाम का डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना होगा, तब जा करके आपको पोस्टीएम पे लेटर यूज करने को मिलेगा। ओके फ्रेंड, एक बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, जो पेटीएम पोस्ट पे लेटर है वो आपके सिविल स्कोर पे निर्भर है। जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको अच्छी लिमिट मिल जाती है। सिविल स्कोर नीचे की कंडीशन यानी कि लो कंडीशन में होगा तो आपको लो पैसे मिलेंगे, और आपको दोस्तों फिर ज़्यादा अमाउंट देखने को नहीं मिलेंगे। फिर दोस्तों, अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट को पे करते रहते तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड, अब देखो भाई, इसको जब एक्टिवेट करते हैं तो हमको करना क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये भाई हमसे पैन कार्ड की डिटेल मांगता है, तो आपको पैन कार्ड एंड और डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। नेम ये ऑटोमेटिकली मेंशन कर लेता है, जीमेल आईडी ऑटोमेटिकली मेंशन कर लेता है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको हो सकता है ये आधार कार्ड के नंबर भी पूछ सकता है। भाई मेरे को तो पूछा था, आपको भी पूछ सकता है। आधार कार्ड के नंबर डाल देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। कुछ देर बाद दोस्तों आपको वेट करना। वेट करने के बाद आपकी लिमिट आपके पास में शो करा दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे सिविल स्कोर पे पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 500 रुपये की लिमिट मिली हुई है, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं दिखाऊंगा तो स्क्रीन ब्लैक ब्लैक हो जाती है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ही देख लें, स्क्रीन ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, और हो गई होगी, क्या पता, मुझे पता नहीं दोस्तों। और यहाँ पर देखो ओपन होने वाला है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दिया हो तो अच्छी बात, भाई नहीं दिया हो तो भाई स्क्रीन ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, अब दोस्तों हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अब देखते हैं दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या करना है। अब भाई ये जो पैसा हमको मिले हैं, इन पैसों को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो पेटीएम पोस्ट पे का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप जरूर जरूर ध्यान रहे। ठीक है, पेटीएम पोस्ट पे का जो भी अमाउंट है हम पेटीएम के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है सभी एप्लीकेशन में यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ पेट्रोल भराना, रिचार्ज करना आदि प्रकार के फीचर्स में भी हम इसका यूज कर पाएंगे पैसा। ठीक है, अब दोस्तों इसके जो पैसे हैं वो हमको कब भरने हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, जब हम बिल पेमेंट करते हैं ना, तो देखो इसका जो बिल है वो 5 तारीख यानी कि महीने की 5 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है, और महीने की 7 तारीख को आपको बिल को पे करना पड़ेगा। यानी कि 5 तारीख को बिल जनरेट होगा और 7-7 तारीख को आपको पे करना पड़ेगा इसका बिल पेमेंट। ठीक है, और अब दोस्तों ये जो बिल पेमेंट की बात, अब बात करते कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की कितना है, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अगर आप पहले पे कर देते, मान लो फॉर एग्जांपल आपने टाइम टू टाइम इसका ईएमआई पे किया, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता, 0 इंटरेस्ट से मिलता है अगर आप टाइम पे पे करते हैं। और अगर आपने टाइम पर पे नहीं किया और इसके बाद आप ओवरड्यू ना गए, मतलब जो आपको ड्यू डेट है उसको ना के ओवरड्यू हो गया आपका अमाउंट, तो भैया तो दोस्तों यहाँ पर लेट पेमेंट चार्ज ज़्यादा लगता है। 5,000 रुपये पे सीधे सीधे 500 रुपये लग जाते हैं। सो गाइस, आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमको लग रहा है लेट पेमेंट चार्ज। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, वैसे माना जाए तो पेटीएम पोस्ट पे क्रेडिट जो हमको मिल रहा है पोस्ट पे पे लेटर, बेस्ट भी है और बेड भी है। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है, और मैं आगे की जानकारी आपको और बता रहा हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। हम पेटीएम पोस्ट पे पे लेटर को टाइम टू टाइम पे करते तो हमारी जो क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज होती है, हमको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, जो पेटीएम पोस्ट पे लेटर है इसको कौन देता है हमको, तो आदित्य बिरला सनलाइट
की तरफ से ये ऑफर्स आया है और अधिकतर बिरला सनलाइट ही आपको पैसा प्रोवाइड करती है, आपको क्रेडिट देती है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी भाषा में, सरल भाषा में पेटीएम पोस्ट पे पे लेटर के बारे में सब कुछ समझा दिया है डिटेल में। और अगर दोस्तों आपको भी कुछ जानकारी चाहिए तो बस वीडियो में कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई दे करके पूरी हेल्प करूँगा। सो गाइस मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।